और चलिए अब चर्चा करेंगे सियासी खबरों की। चुनावी मोड में आ चुकी कांग्रेस में लगातार बैठकों और सम्मेलन का दौर चल रहा है। संभागवार कांग्रेस बैठक कर रही है और बिलासपुर संभाग के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी संभागों की जानकारी ली है, इसके बाद विधानसभा स्तर की भी जानकारी लेंगे। और उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर भी कहा कि उन्होंने जो 65 पार का नारा दिया था वो हमारे लिए दिया था। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं, कहा है कि निर्देशों पर अमल करें। ये भी कहा कि बूथ स्तर तक जाने की कोशिश कार्यकर्ता करते रहे। बिलासपुर संभाग का प्रशिक्षण शिविर है, पहले जगदलपुर में हुआ था, अभी बिलासपुर में है और कल दुर्ग में है। तो आदरणीय हमारे शैलजा जी जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ की, वो लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और हर संगठन के कार्यक्रम, प्रशिक्षण के कार्यक्रम सब में वो जा रही है। अमित शाह अभी संभाग कर रहे हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग विधानसभा स्तर पर जाएंगे। आपके क्षेत्र में अब आने वाले अमित शाह आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं उनका दौरा लगातार? पिछले समय खूब दौरा किए थे राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था 65 पार वो हमारे लिए था। राहुल गांधी और भूपेश बघेल से भाजपा डरती केवल इंडिया में, ऐसा कहना? नहीं नहीं, राहुल जी से पूरे तरफ जाते हैं। बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर एक बार फिर से जीत का दावा किया है। कहा है कि हम हर बूथ पर फोकस करेंगे, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि जब तक अजीत जोगी कांग्रेस में थे तब तक कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। बघेल हमारे साथ मौजूद है और बिलासपुर में आज संभागीय सम्मेलन में, सर आज जोगी जी याद आया? देखिए जोगी जी कांग्रेस में थे जब यहां हम लोग सम्मेलन किए, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए और लोगों ने ये कहा कि वो पार्टी छोड़े तो हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनाने उनका योगदान है, पार्टी छोड़ के नहीं जाते और अंदर में भीतर घात करके हमारा नुकसान होता है। सर आप बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की दुकान खुली, आपको लगता है देश में जो परिस्थिति है उसको, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो चुनाव को जीतने के लिए भी आपको लगता है कि प्रेम का जो हथियार है वो काम आएगा? देखिए प्रेम इस देश की परंपरा है, कबीर के गीतों में देखें प्रेम, देखें गुरु नानक देव की बात है, सब आप हमारे नेता हैं, उन्होंने कभी नफरत के आधार पर आंदोलन नहीं किया, तो प्रेम की बात करते रहे तो प्रेम से ही सबको जोड़ा जा सकता है। अमित शाह का कहा कि पिछली बार आज 65 का टारगेट दिया था, इन पर अमित शाह आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि वो आपको किसका टारगेट? वो आ रहे हैं 22 तारीख को पता चलेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि क्या जो है वो संभागीय सम्मेलन में हुआ। उन्होंने कहा कि जोगी जी जब तक थे तब तक कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, उनके जाने के बाद कांग्रेस जीती, जाहिर तौर पर इस सम्मेलन में उन्हें अजीत जोगी भी याद आया। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजी और न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। और कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहुंची, कहा कि जो सरकार ने काम किया है वो लोगों तक पहुंचा भी है, छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बने। साथ ही कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता लगातार अब जमीनी स्तर पर पहुंचना शुरू करें, सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बनेगा, इस चुनाव में हमारा काम और हमारे कार्यकर्ता हमारी रणनीति का प्रमुख हिस्सा होंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद है, हम लगातार संभागीय स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उससे बहुत हमारे सभी कार्यकर्ता खुश हैं, उनमें ऊर्जा है और खास तौर से हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद, राहुल जी की मेहनत के बाद पूरे देश भर में एक नई लहर है और छत्तीसगढ़ के लोग चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बने। सोशल मीडिया पर काफी फोकस रहने के लिए आप कह रही है, बार बार कह रहे हैं, यूथ कांग्रेस के समय भी आपने कहा? जी जी बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया का एक ऐसा आउटरीच है जिसमें सच्चाई जा सकती है। आप जानते हैं कि खास तौर से जो नेशनल हमारा टीवी है या मीडिया है उस पर प्रभाव कुछ बिजनेस हाउसेज का है, जो कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी सरकार के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मैम इस बार के चुनाव में? स्ट्रेटेजी एक तो हमारा काम, दूसरा हमारा कार्यकर्ता। तो ये है कुमारी शैलजा और जिन्होंने बताया कि जो संभाग स्तरीय जो सम्मेलन है, तो ये है कुमारी शैलजा और उन्होंने बात की न्यूज 18 से और बताया कि जो संभागीय सम्मेलन में है उसमें किस तरह की कवायद जो है वो की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रेटेजी का मुख्य हिस्सा रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी है वो एक तरह से पुरानी जो स्ट्रेटेजी है, पिछली जो स्ट्रेटेजी जिसके जरिए जो है वो इतिहास दोहरा, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो जीत का परचम लहराया था वही दोहराएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर।